हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल माय वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, बहुत लंबी समय के बाद मैं फिर से वापस आई हूँ एक नई ग्रामर के साथ। आपको सबको पता ही कि मैं हिंदी ग्रामर आपको दे रही हूँ, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण का ही पाठ लेकर आई हूँ। मैंने आपको लिंग दे दिए हैं, लिंग के नियम दे दिए हैं आपको, लिंग परिवर्तन करने के नियम दिए हैं। इसके बाद में लिंग के आपको कैसे पहचानना है वो भी मैंने दे दिए हैं। पत्र लगभग हो गया है, हम और भी पत्र बाकी है वो भी हम कर देंगे, लेकिन कुछ थिंग्स जो पत्र मैंने दे दिया वो काफ़ी हैं आपके लिए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पत्र जो बाकी हैं आपको देना, वो मैं दे दूंगी एक दो, बाकी नहीं चाहिए हमें। जितना मैंने दे दिया वो काफ़ी है आपके एग्जामिनेशन आपके परीक्षण के लिए, वो काफ़ी है। उसके बावजूद मैंने आपको कुछ और भी वीडियोस दिए होंगे जो ग्रामर के ऊपर डिपेंड हो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके हिंदी व्याकरण ग्रामर के ऊपर ही डिपेंडेंट है वचन, ठीक है। आज मैं आपके लिए वचन लेकर आई हूँ, तो हम सबको पता है वचन क्या है, फिर भी मैं वचन को थोड़ा सा तोड़ के आपको समझाऊंगी। जिन बच्चों को नहीं पता हो, वो नए कर रहे हों, स्पेशली फॉर स्टेट बोर्ड के, जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं वो कम से कम क्लास 10 में चल रहे, पर उनको वचन बदलना अभी तक नहीं आ रहा है, वचन परिवर्तन करना अभी तक उनका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए वचन लेकर आई हूँ। अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जैसे मैं घर में समझाती हूँ वैसे ही बिल्कुल समझाती हूँ। बात बस इतनी सी है, अगर घर में समझाती हूँ तो आपको मैं, आप अगर नहीं समझ में आया आपको दोबारा फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ वीडियो में, बस एक ही बात, क्योंकि टाइम उसमें लिमिटेशन होते हैं, हम ज़्यादा टाइम इसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया, अगर बोलेंगे मैं नए तरीके से आपको दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना के दिखा सकती हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है। आज लेकर आई हूँ मैंने जिसे कहा वचन। बच्चों, वचन समझने से आप इतना समझ लीजिए कि वचन है तो नंबर्स है, ठीक है। वचन क्या है? नंबर्स है, ठीक है। और एक तरफ से है वचन क्या, वचन का अर्थ आपको पता है वाक्य, ठीक है, बोलना, जो बात है, विषय है जो हम बोलते हैं, ठीक है। और जिस तरह वचन कथन बोलते हैं ना, ये वाक्य, ठीक है। तो वचन यानी कि बात, ठीक है। तो आप एक बात से समझ लो कि आप बात बोल रहे हो, एक लड़का, लड़का तो आपको समझ में आ रहा है, लड़का, मैंने सिर्फ किसी एक लड़के का बारे में बोला है। तो वचन आपकी जो वाक्य है, जो वचन है, उसके माध्यम से आपको समझ आ रहा है कि हमने सिर्फ एक लड़के का ही बात बोला है। अगर हमने यहाँ पे बोले होते कि लड़के, तो आपको उसी वचन से आपको, यानी कि जो हमने बोला, बोलना ही वचन है, तो उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि लड़के, मैंने एक से अधिक बात की, वहाँ हो जाता है अधिक, ठीक है। तो यानी कि वचन का मतलब ही है हमारा नंबर्स, ठीक है, संख्या, वचन अर्थात संख्या, ठीक है। वचन अगर आपको समझना है तो आपको क्या समझना है, संख्या जानना होगा, ठीक है। यानी कि संख्या क्या होती है कि नहीं, संख्या क्या होती है, संख्या में क्या होते हैं, एक तो कम होता है और एक ज्यादा होता है, ठीक है। संख्या में कम और ज्यादा होते हैं, यानी कि नंबर्स। अगर मैंने मानो यहाँ पे मेरे पास 5 बॉल है, यहाँ पे मेरे पास 10 बॉल है, ठीक है, बॉल खेलने के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मेरे पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला, बताओ बच्चों कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है। आपने मुझे कहा कि 5 जो है मैम वो कम है और 10 जो है वो ज़्यादा है। वो आपको किसे पता चला कि मैंने आपसे वचन के माध्यम से बोला, मैंने वाक्य ना, मैंने बोला आपको कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, और आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 5 कम होता है, आपको पता है, आपने 1-2 सीखा है, तो अगर 5 है वो कम होता है और 10 जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो 5 वाले बोलते हैं वो कम है और जो 10 वाले बोलते हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि वचन अगर हमें समझना है तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि संख्या को समझना, यानी कि नंबर्स को समझना, ठीक है। उनमें नंबर्स कितने बता रहे, वो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हम बाद में बोलेंगे, बस इतना ट्रिक आप दिमाग में रख दो कि अगर वचन हमें समझना है तो हमें वचन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि हमें संख्या को समझना होगा, यानी कि नंबर्स को समझना होगा, उसमें कम ज़्यादा की संख्या कितनी है, कम है या ज़्यादा है, इन चीज़ों का ही हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना होगा। उसके बाद हम 1 by 1 आपको बताते जाएंगे उसमें परिवर्तन के नियम कैसे होते हैं, ठीक है। आज मैं बस आपको वचन क्या होते हैं और वचन के भेद कितने हैं और बस इतना ही तक ही रखूँगी, अगर टाइम अवेलेबल हो थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ा दूंगी, पर मैं नहीं चाहती आपके ऊपर लोड डालूं, आप उस चीज़ को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके धीरे धीरे जाए, ताकि आपको वचन समझने में आसानी हो और बहुत जल्द आप वचन को कर पाओ आसानी से, ठीक है। तो वचन क्या है, वचन यानी कि वचन को आप ट्रिक,
नॉट वचन की डेफिनेशन क्या है ये संख्या नहीं है, वो हम आपको बता देंगे, लेकिन वचन आप समझेंगे कैसे, वचन मतलब ही संख्या, यानी उनकी नंबर्स आपको जानना होगा, ठीक है, संख्या कम ज़्यादा की संख्या को आपको जानना होगा, यही हमारा वचन का स्पेशल ट्रिक होगा, ओके। देन मैं आपको फिर से बताती हूँ कि वचन की डेफिनेशन अभी क्या है। तो वचन की डेफिनेशन है संज्ञा के जिस रूप से आप किसी भी वस्तु या पदार्थ की संख्या का बोध हो, ठीक है, यानी कि क्या है, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वस्तु, हिंदी को बिल्कुल ऐसे ना लिखें, मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से लिखती हूँ, इसलिए मात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी लिखने के लिए, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, ठीक है। किसी भी यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वस्तु या पदार्थ की संख्या का भेद हो बोध हो उसे आप वचन कहते हैं, ये डेफिनेशन है वचन के। लेकिन अगर मैं आपको समझाने जाऊँ, अगर मैं आपको मेरी ओर से कि जैसे मैं समझ रही थी या जैसे मैं समझाती हूँ वो समझाने जाऊँ, तो मैं साधारण से आपको एक डेफिनेशन बोलूँगी कि जिस शब्द दिए गए शब्द के माध्यम से उसके शब्द के दिए गए शब्द के माध्यम से उसका उसके संख्या का बोध हो, ठीक है, संख्या का बोध हो, यानी कि मैंने मेरी तरफ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि दिए गए शब्द के माध्यम से उसके संख्या का बोध हो, यानी कि अगर कोई शब्द हमें दे रहा हो एग्जाम परीक्षण में क्या आते हैं, कोई शब्द ही हमें मिलता है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, किसी पदार्थ का भी नाम हो सकता है, या कोई प्राणी का भी नाम हो सकता है, प्राकृतिक किसी भी चीज़ के नाम, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, सिर्फ इंसान ही नहीं, अगर हम इस दुनिया में हैं इंसानों के साथ सारी चीज़ों को लेकर ही हम चलते हैं, इसीलिए मेरी मानना है या मैं भाषा वैज्ञानिक को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो सही जगह है, बस थोड़ी सी मैं समझने के लिए आपको बोल रही हूँ कि दिए गए शब्द के माध्यम से उसकी संख्या का बोध हो तो वही वचन कहलाता है, ये मेरी तरफ से है समझने के लिए, लेकिन डेफिनेशन जो है वो आपका सही यही होना है, ठीक है, आपके एग्जाम में यही डेफिनेशन आपको लिखना है, हाँ, लेकिन समझने के लिए आपको बस इतना है। अब मैं बताऊंगी शब्द कैसे किसी कौन से शब्द के माध्यम से आपको पता चले, ठीक है, कि वो संख्या का बोध हो और उसे वचन कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा किसी शब्द के माध्यम से, तो मैं आपको ये देती हूँ एक गाय, ठीक है, तो मैंने दिया आपको गाय, ठीक है, मैंने गाय लिया, कपड़ा लिया, ठीक है, एंड चूहा लिया, आँख लिए, ठीक है, तो मैंने ये लिया गाय कपड़ा चूहा। देखिए गाय क्या है, प्राणियों में है, चूहा भी प्राणियों में, आँख देखिए दोनों में है, प्राणियों में भी आँखें होती है, इंसानों में भी आँखें होती है कि नहीं, तो मैंने आँख ली, और कपड़ा क्या है, वो हमारे इंसान जो पहनते हैं, ठीक है, तो मैंने इन चीज़ों का लिया है, तो आप बता सकते हो शब्द के माध्यम से, शब्द मैंने क्यों कहा, क्योंकि यही जो शब्द है ना, यही जो चीज़ है जिसे भाषा वैज्ञानिकों ने जैसे कहा, बिल्कुल सही कहा, संज्ञा के माध्यम से किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है और किसी व्यक्ति भी हो सकते हैं, किसी कुछ भी पदार्थ हो सकते हैं उनके माध्यम से, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, मतलब एग्जाम में जो आपको शब्द देंगे कुछ भी हो सकता है उनमें से, वो शब्द गाय भी हो सकता है, यानी कि संज्ञा हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, किसी भी कपड़े हो सकते हैं, चूहा, मतलब किसी भी प्राणियों का नाम भी हो सकता, उसके माध्यम से वो पता चले कि वो उसकी संख्या क्या है, ठीक है, वो कम है या ज़्यादा है, वही चीज़ दोबारा वापस आ रही है कि कम है कि ज़्यादा है, तो ये क्या है, गाय वो गाय है, अभी समझ आ रहा है कि गाय क्या है, वो गाय है। अब मैंने क्या किया, वो गाय है कहाँ, यानी कि मैंने किसी एक गाय की ही बात बोली, अगर मैं कहती वह वहाँ बहुत सारे गाय हैं, यानी कि बहुत से गाय हैं, तो क्या है कि गाय किसी एक शब्द दिए गए, अब उस शब्द के माध्यम से आपको पता चलना है कि वो कौन से वचन में है। अब आएंगे धीरे धीरे हम वचन डेफिनेशन खत्म,
अब आएंगे वचन के भेद में। अब मैंने इसको लिख दिया, मैं बताती हूँ वचन के भेद। वचन के कितने भेद हैं? वचन के दो भेद हैं, ठीक है। वचन कितने प्रकार के हैं? वचन दो प्रकार के हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन, ठीक है। एक है एक वचन, दूसरा है बहु, एक वचन और बहुवचन। अब एक एक वचन यानी कि किसी एक चीज का समाप्त एक ही वहां पे समझ आए, बहुवचन वहां एक से ज्यादा, उसका डेफिनेशन हम बाद में जाएंगे। हम वचन समझ लिए कि वचन समझ आए यानी कि संख्या समझना। अब संख्या भी समझ आ गई कि अगर कम हो ज्यादा हो वो आपको वचन कहता है, वचन कहलाता है, ठीक है। अब वचन के दो भेद हैं, वचन कितने भेद हैं? दो हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का डेफिनेशन ये है कि किसी भी शब्द या वस्तु के माध्यम, किसी भी शब्द या वस्तु के माध्यम से उसकी किसी एक व्यक्ति वस्तु या जाति के माध्यम से उसके आपको पता चल जाए उसकी संख्या कितनी है। यानी कि यहाँ पे गाय दिया गया है, ठीक है, गाय कितने हैं? एक ही है। तो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ, यानी कि आपको उससे पता चल जाएगी वहाँ किसी एक की बात कही गई हो, या वो शब्द आपको समझा रहा हो कि मैं अकेला हूँ, उस शब्द के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे किसी एक की बात कर रही हो और एक ही है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? एक वचन। यानी कि एक समझाना, नंबर वन समझाना वहाँ पे उस शब्द के माध्यम से आपको किसी वन एक व्यक्ति का सुझाव हो, एक पदार्थ का हो या एक वस्तु का है, एक समझ में आ रहा, तो वो हो जाएगा आपका क्या? एक वचन। यानी कि अभी गाय किस में है? एक वचन में है, ठीक है, समझ आया? ठीक उसी तरह उसके अपोजिट किसी भी पदार्थ वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से आपको उसने एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु या पदार्थ का बोध हो वहां पे वो हो जाता है आपका बहुवचन, ठीक है। बिल्कुल विलोम शब्द जैसे कहते हैं उल्टा समझना, बिल्कुल एक एक वचन का उल्टा ही बहुवचन है। यानी कि यहाँ पे एक समझ में आ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे कितनी खड़ी पाई है? एक खड़ी पाई है, तो इसको अपोजिट में कितनी खड़ी पाई है? दो खड़ी पाई है, ठीक है। यानी कि इसका अपोजिट ही क्या है? बहुवचन है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति वस्तु जाति का, जाति जो भी है, जो भी एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ जाति एक से ज्यादा संख्या आपकी बोध हो, आपको बोध हो, वही होता है हमारा क्या? बहुवचन, ठीक है। तो ये था हमारा बहुवचन। अब जैसे मैंने कहा गाय क्या दिया गया है, इसमें एक वचन दिया गया है, अब हम बहुवचन कैसे करेंगे? गाय को हम क्या कर देंगे? गाय, ठीक है, एक ही मात्रा लगा देंगे और इसमें अंकी बिंदु लगा देंगे, अंकी बिंदु बहुवचन आपको बताइए। तो हमने क्या किया? गाय बना दिया, ठीक है। ठीक उसी तरह ये क्या है? अभी बहुवचन में आपके आ गए, ठीक है। अब कपड़ा क्या हो जाएंगे आपके? कपड़े, ठीक है, ये भी चलेंगे आप बहुवचन में, ये था पहले आपका एक वचन में। यानी कि कपड़ा कपड़े, यानी कि पहले मैंने सोचा कपड़ा यानी कि मेरा कपड़ा, अब मैं कपड़े यानी कि मेरे बहुत से कपड़े हैं, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा हो गया उसमें। अब चूहा, मैंने किसी एक चूहा दिखाई दे रहा है यानी कि वहां पे चूहा, अरे बहुत सारे चूहे हैं वहां पे, यानी कि अब चूहे से चूहा, ठीक है, चूहा से चूहे हो गए, यानी कि चूहा था मेरे एक दिखाई दे रहा था, अब उसमें चूहे हो गए यानी कि वहां पे बहुत सारे चूहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक वचन, अब हो गया हमारा बहुवचन, ठीक है। फिर हो गया हमारा आंख और अब आंख और आंखें में क्या है? आंख, देखिए आंख और पान जिन चीजों में हमेशा रहता है, रहती ही है, तो ये है आंख। अब आंख क्या थे? किसी आंख, ओनली आंख, यानी कि हम किसी एक की आंख, यानी किसी इंसानों की, किसी एक इंसान की आंख, आंख की बात कर रहे हैं। अब हम आंखें हम एक से ज्यादा हो गए हमारे, अब आंख को हम क्या कर देंगे? आंखें हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था एक वचन और बहुवचन। यानी कि वचन किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा के माध्यम से उसके पदार्थ वस्तु या उसके व्यक्ति की संख्या का बोध हो, वो होता है वचन। जैसे मैंने कहा किसी भी शब्द के माध्यम से आपको उसको संख्या का बोध हो तो वो हो जाता है आपका वचन। अब वचन में कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि आपको उस व्यक्ति वस्तु या पदार्थ की संख्या एक का ही बोध हो, यानी कि एक व्यक्ति एक वस्तु और एक संख्या का बोध हो, वो होता है एक वचन। और फिर एक वचन में क्या होता है? हमेशा एक ही आपको समझ में आएगा, वो कोई भी शब्द हो वो आपको एक ही दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक हूँ ना, तो एक वचन, मैं अकेली हूँ तो यहाँ पे एक वचन है। अगर मेरे संग यहाँ पे कोई दूसरे लोग होते या टीचर्स होते तो वहाँ पे क्या हो जाता है? और भी होते तो वो बहुवचन में हो जाते, ठीक है। बहुवचन का डेफिनेशन क्या है? किसी भी व्यक्ति वस्तु जाति ये सॉरी व्यक्ति वस्तु व्यक्ति पदार्थ किसी भी चीज का किसी भी कोई भी शब्द हो यहाँ पे एक से ज्यादा बोध, वो दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, ज्यादा बोध हो वो हो जाएगा हमारा बहुवचन। तो बच्चों
आज मैंने आपके वचन क्लियर कर दिए, वचन क्या है, वचन के भेद है। अगले वीडियो में लेके आऊँगी वचन परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, और कुछ वचन के नियम है कि अकरांत है तो इसमें एकरांत कैसे बनाना है, इन चीज़ों को मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ओके बच्चों, देन टेक केयर, बाय बाय।